वर्षा में आ गई, तो शुभ संकेत है। ये रेल लाइन ऐसी थी नहीं, ये वो तो भैया से सब देना रोड, इसका रेल लाइन की बगल वो पीछे था, वो साइड नहीं, इसका साइडिंग है ना रेल का। हाँ हाँ, वो तो अगर आगे से वहाँ फैक्ट्री लगाएगा जहाँ पर जो आप घुसे ना उस साइड में, वो पटरी भी आप उधर से, उधर से वहाँ से, वहाँ से जीतने वाला है। ले लो सारा प्लांट भी देख रहे आज, वही वही धर्म बोधा कभी ये तो बहुत बढ़िया चीज बना हुआ है। हेलो बढ़िया आगे सब सर आप आ गया ही नहीं सर, सर को आगे जाना। यही तल वाला मशीन लगी आर्ट कोटिंग प्लांट, कलर पेपर भी बनता था सर, सब कलर का पेपर इसी को लेके चला। हां यही था कलर पेपर, आज हिंदुस्तान में कोई नहीं अकेला, पूरे इंडिया में सबसे बेहतर पेपर यही दे रहा था, आज बंद है। जब बंद हो गया तो बहुत दुख हुआ था। आज रामचंद्र प्रसाद जी के अनुरोध पे गोपाल जी ठाकुर, जीवेश जी, ये लोग बहुत दिन से इस विषय के लिए हमसे मिले। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो पहली बार मीटिंग हुई और अर्जुन सैनी जी के यहाँ भी हम गए थे नाश्ते पे, तो उन्होंने भी कहा। हम लोगों ने जीवेश जी के साथ सबको बुलाया था, पार्टी को भी बुलाया, उद्योग विभाग में बैठक हुई। इसको कैसे अशोक पेपर मिल पे बयानबाजी की ज़रूरत नहीं, इसको चालू कैसे किया जाए, इसमें और इंडस्ट्री कैसे लगे। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो इंडस्ट्री लगाना चाहते। पिछली बार जब हुआ था तो विवाद में गोली भी चली थी और उसके बाद पूरा बंद हो गया। अब विवाद नहीं करना है, जो सारे पक्ष को एक करके इसका हल निकालना, ये आसान काम नहीं है, कठिन काम है। लेकिन कठिन काम करने के लिए हम लोग इतना बड़ा विजिट कर रहे हैं। आज माननीय श्रम मंत्री और सांसद जी के साथ, विधायक जी के साथ हम यहाँ पे आए। हम ट्रेड जो यूनियन के लोग हैं उनको भी बोला के विषय को समझा था। हम लोग निष्पक्षता से इसको हल करेंगे और दरभंगा के इलाके में अगर उद्योग बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा, क्योंकि जो पुराना था उसी को स्थापित कर देना। अभी तो लोहट में 2.5 लाख लीटर का इथेनॉल प्लांट बनने जा रहा है, 65,000 लीटर का पूर्णिया में बना, लेकिन मधुबनी में, मिथिला में 2.5 लाख लीटर का बन रहा है और सारे एग्रीमेंट हो गए, अब काम शुरू होगा। एक चीनी मिल यहाँ पर लगाने के लिए हमने पेप्सी कंपनी को कहा है कि लोहट के इलाके में जो बंद चीनी मिल की ज़मीन है उस पर नई चीनी मिल लगाने को कहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में उद्योग लग सकता है, लेकिन इसमें अब कोई नेतागिरी नहीं करनी, किसी को कोई विवाद नहीं करना, बल्कि जो जिसकी भी समस्या है, चाहे वो पीएफ की समस्या है, मजदूर की है, सब हित को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसको चलाने की कोशिश करें।